अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाना सिखा रहे हैं आपको चिकन कोरमा। इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, टमाटर की पेस्ट, लहसुन अदरक और प्याज की पेस्ट, एक प्याली दही और गार्निश करने के लिए सब्ज मिर्च और धनिया। एक कढ़ाई लेते हैं हम, उसमें चिकन डाल लें, कुकिंग ऑयल टी स्पून, इसको फ्राई होने के लिए रखें। इस तरह से फ्राई होने के लिए रखें, अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि तमाम रोटियां फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। इतनी देर हम लोग मसाला अलहदा तैयार करते हैं, एक देख कर लें। कुकिंग ऑयल, ये अदरक लहसुन और प्याज की जो पेस्ट तैयार की है इसमें ऐड करती हूँ। तो चिकन भी फ्राई करते हैं, ये देखो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि फ्राई हो जाए सारा। ये अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट इसको अच्छी तरह से भून लें। मसाले ऐड करते हैं, फिर 1 स्पून नमक, 1 स्पून इसमें हल्का सा चिकन में डाल दें ताकि रोटियों में अच्छी तरह रच बस जाए नमक। इसको मिक्स करें अच्छे से। वन स्पून हमने इसमें नमक डाला, 1/2 स्पून हल्दी, 2 स्पून सूरज मिर्च, 1/2 स्पून गरम मसाला और 3 स्पून हम डालेंगे कोरमा मसाला। टमाटर की पेस्ट डाल ली इसमें, ऑयल कम लग रहा है इसमें, 1 स्पून ऑयल हम और डालेंगे इसमें मसाले में और अच्छी तरह से इसको भून। चिकन हमने लहदा फ्राई होने के लिए रखा है, मसाला लहदा तैयार कर रहे हैं।
तरह से मसाले को भून लें ताकि उसमें स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है, ये देखिए बोटियाँ थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर हो गया बोटियों का। इधर देखिए मसाला भी रेडी है, बिल्कुल ऑयल अलहदा हो चुका है मसाले से, हमने अच्छी तरह से इसे भून लिया मसाले को। और अब इसमें हम एक प्याली दही ऐड करेंगे। दही में हमने थोड़ा सा सफेद जीरा मिक्स किया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब चिकन हम इसमें मसाले में ऐड करते हैं। चिकन सारा उसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके इसको हम दम में रख लेते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दस मिनट हम इसे पकने देंगे, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें कोरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। 15 मिनट हमने इसको पकाया था, देखिए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। ये देखें चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये गार्निश के लिए हम सब अजमेर और धनिया डालेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।